गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड फर्स्ट चैप्टर इन सम टॉपिक्स. ओके, टुडे वी विल डिस्कस्ड नेसेसरी एलिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसके पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस कर चुके थे. ओके, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस की क्रिया संपन्न होती है. अभी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा नेसेसरी एलिमेंट्स है जो फोटोसिंथेसिस के लिए कंपल्सरी है, आवश्यक है, जिसके बिना ये जो प्रोसेस है संपन्न नहीं हो सकती. ओके, द फर्स्ट टॉपिक इज क्लोरोफिल. फर्स्ट टॉपिक किसका है? क्लोरोफिल है. इट इज़ ए ग्रीन पिगमेंट एंड इज यूजली प्रेजेंट इन द लिप्स इन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. जो लिप्स होते हैं वो ग्रीन होते हैं जिस पिगमेंट के कारण, वही क्या है? क्लोरोफिल है. क्या है? क्लोरोफिल. प्रेजेंट कहाँ होते हैं? लिप्स में. ओके, स्ट्रक्चर इसका क्या है? जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है उसको क्या कहते हैं? संरचना को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल जो होता है वो मौजूद होता है. ओके, नेक्स्ट है सेकेंड, सनलाइट. इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी. जो सनलाइट है एनर्जी का स्रोत है. क्लोरोफिल ट्रैप दिस एनर्जी. जो क्लोरोफिल अभी हमने पढ़ा है वो इस एनर्जी को ट्रैप करता है, अवशोषित करता है. किसको? सनलाइट को. ओके, नेक्स्ट है वाटर. द रूट्स हेयर इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ रूट्स एंड आर फाउंड इन ग्रेट नंबर नियर द ट्री टिप्स ऑफ रूट्स. जो रूट्स हेयर होते हैं, छोटे छोटे रोम्स होते हैं जिसको रूट्स के नीचे हिस्से में पाए जाते हैं. जैसे एक प्लांट्स है, प्लांट्स का जो रूट होता है नीचे गया होता है और इसमें इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं? रूट्स हेयर बोलते हैं. ओके, ये जो होता है सरफेस एरिया को बढ़ा के रखता है, रूट के सरफेस एरिया को बढ़ा के होता है. ठीक है, और इनकी संख्या जो होती है ग्रेट नंबर में होती है, बहुत अधिक संख्या में होती है. जो रूट टिप है, ये जो नीचे का हिस्सा है, इसी में ये पाया जाता है. ओके, वाटर एंड सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स इंटर द रूट हेयर पास थ्रू द सेकेंडरी रूट्स एंड मेन रूट्स इंटू द स्टेम. क्या कि जो वाटर हैंड सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है वो इसी रूट हेयर के द्वारा इंटर करता है. कहाँ? सेकेंडरी रूट में. कहाँ? सेकेंडरी रूट में. जैसे ये रूट्स हो गया, नीचे का ब्रांचेज हो गया, ऊपर हो गया, नीचे जो ये रूट टिप है, ये नीचे का हिस्सा रूट टिप है, और यहाँ से ऐसे रूट्स बहुत से निकले होते हैं. इस तरीके से ये रूट्स निकले होते हैं, उसमें ब्रांचेज निकले होते हैं, जिसको ये जो है प्राइमरी रूट्स हैं जो सीड जर्मिनेशन के टाइम ये ग्रो करते हैं. उससे निकला हुआ सेकेंडरी रूट्स है. इसके जो भाग में छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसी को रूट हेयर बोलते हैं. यहाँ से जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है सॉइल में वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, साथ ही साथ जो सॉइल में वाटर मौजूद है उसको एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. और ये जो रूट हेयर्स है उस वाटर को एब्जॉर्ब करके और ये जो सेकेंडरी रूट हमने पढ़ा इसको ये सेंड करते हैं, और यहाँ से ये प्राइमरी रूट को सेंड करते हैं, प्राइमरी रूट को भेजते हैं, और ये प्राइमरी रूट जो है ऊपर ब्रांचेस को सप्लाई करता है या भेजता है. ओके, नेक्स्ट एंड रीच द लीव्स थ्रू पाइप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइलम विच रन थ्रू आउट द प्लांट्स बॉडी. ताकि अब जब ये मेन रूट को सप्लाई कर, सेकेंडरी रूट में गया, सेकेंडरी रूट मेन रूट को, जो प्राइमरी रूट है या मेन रूट है वहाँ इसको भेज दिया, एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद जो होता है यहाँ से स्टेम में जाता है. स्टेम एंड रीच द लीव्स. अभी जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, वो कहाँ है? लीव्स में है. कहाँ है? लिप्स में है. अभी लिप्स तक जाने के लिए ये एक सोर्स बनता है जिसको जाइलम बोलते हैं. पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको जाइलम बोलते हैं, जो कि जो प्लांट्स होते हैं उसके पूरे बॉडी में रन करता है, जाता है. जैसे अभी आप देखिए, यहाँ मान लेते एक छोटा सा हम ट्री बनाते हैं. जैसे देखिए ये प्लांट्स हुआ, यहाँ से बहुत सारे रूट्स निकले हुए हैं. ओके,
ये इसमें ब्रांचेज हैं, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो आप देखेंगे किसी भी पौधे में, ऐसे होता है, ये ऊपर जाता है, इसमें ये शाखाएं हैं ऐसे निकली होती हैं इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर, ठीक। यहाँ से ऐसे कुछ पत्तियाँ हैं, सॉरी स्ट्रक्चर से नहीं हो रहा है, ये इस तरीके से। अब यहाँ तक, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हुए जाएगा कैसे, तो इसमें पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि यहाँ से एब्जॉर्ब किए हुए पार्ट्स को, सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को पत्ती तक पहुँचाती है, जिसके माध्यम से पत्ती तक वाटर पहुँच रहा है उसी को क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइलम बोलते हैं। ओके, ये जाइलम होता है, ठीक। फोर्थ टॉपिक है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको शॉर्ट में CO2 बोला जाता है। ओके, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा इन द अंडर साइड ऑफ लिप्स। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वह कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, एटमॉस्फेयर से, थ्रू किसके द्वारा, स्मॉल ओपनिंग्स द्वारा, छोटे ओपनिंग्स द्वारा, खुले हुए भाग के द्वारा, जिसको कॉल्ड स्टोमेटा, क्या कहा जाता है, स्टोमेटा बोला जाता है, इन द अंडर साइड ऑफ लिप्स, जिसको हम पिछले पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो लिप्स होती हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर लिप्स होता है, इसके ऊपरी सरफेस की बात नहीं करता, जब हम इस लिप्स को पीछे के रास्ते पलट देते हैं, इस तरीके से इसको पीछे के रास्ते पलट देते हैं, तो पीछे वाले हिस्से पे ये स्टोमेटा पाया जाता है, स्ट्रक्चर जो होता है इसको जब पीछे पलट देंगे तो पीछे पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, आप पत्ती को उठा के देखिएगा, वहाँ आपको पता चल जाने हैं। ओके, ईच स्टोमा, इसको शॉर्ट में स्टोमा भी बोला जाता है, स्टोमा इज बाउंडेड बाई टू हाफ मून शेप्ड गॉड सेल्स। और जो स्टोमेटा होता है वो टू गॉड सेल्स से ढका होता है, बाउंडेड होता है, कवर्ड होता है, जैसे ये इस तरीके से स्टोमेटा है, और इससे इस तरीके का जो हाफ मून के जैसे, चंद्रमा के जैसे, यहाँ एक पार्ट मौजूद होता है, इसको गॉड सेल बोला जाता है, किसको, इसी को गॉड सेल बोला जाता है, ये बीच का ये जो हिस्सा है आपका स्टोमेटा है। ओके, व्हेन देयर इज एनफ लाइफ एंड वाटर द गॉड सेल्स स्वेल अप एंड कर्व्स अवे फ्रॉम ईच अदर दस ओपनिंग द स्टोमेटा। कह रहा है कि जब व्हेन देयर इज एनफ, पर्याप्त मात्रा में लाइट, प्रकाश और वाटर मिलता है, तब गॉड सेल स्वेल कर जाता है, मतलब फूल जाता है, एंड कर्व मुड़ जाता है, कर्व अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या होता है, जैसे ये आपका गॉड सेल है, इस तरीके से जब यहाँ वाटर की मात्रा अधिक होती है, लाइट अधिक आता है, तो ये कर्व जाता है और मुड़ जाता है और स्टोमेटा से दूर हो जाता है, और ये भाग जो होता है वो स्वेल जाता है, सूज जाता है। ओके, दीज अलाउज, दीज अलाउज कार्बन डाइऑक्साइड टू इंटर द सेल्स ऑफ लिप। ये जो क्या करते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं वो अलाउ करते हैं किसको, CO2 को इंटर करने के लिए, अंदर आने के लिए लिप्स में, ठीक है, जिसके वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होगी इस लिप्स में संपन्न होंगे। ओके, यहाँ आपका स्टोमेटा का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये बीच का जो हिस्सा है आपका स्टोमेटा है, जो कि ओपनिंग टाइम में है, ओपन भाग में, ये आपका हेयर, ये स्ट्रक्चर इज गॉड सेल, क्या गॉड सेल है, इसमें O2 इंटर कर रहे हैं, इधर आप देख सकते हैं गॉड सेल है, ठीक है, बीच में वैक्यूल्स पाए जाते हैं जिसमें पिगमेंट भरे होते हैं, उसी पिगमेंट को क्लोरोफिल बोला जाता है। ओके, अब यहाँ से CO2 इन करेगा। ओके, अब ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करनी होती है, पर्याप्त मात्रा में लाइट नहीं मिलता है और वाटर नहीं मिलता है, इस कंडीशन में जो गॉड सेल होते हैं वह सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ के इस जो स्टोमेटा है उसको कवर कर लेते हैं, आप यहाँ से स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये कवर किए हुए हैं, ठीक है, वही पार्ट्स है, और जब कवर कर लेता है तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है इसमें क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, बाहर ड्रॉप कर देता है,
क्या करते हैं, बाहर जो वाटर होता है वो ड्रॉप कर देता है, निकाल देता है। स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ओके, ये स्टोमेटा ओपन है, यहाँ स्टोमेटा क्लोज है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पैरा, ओके। यहाँ आपका एक्टिविटीज दिए हुए हैं, 1, 2, 3 एक्टिविटीज आपके दिए हुए हैं, आप इन एक्टिविटीज को अपने बुक से रीड करने की कोशिश कीजिएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिएगा, इफ़ यू आर डन, ओके, देन यू आस्क मी, ओके। नेक्स्ट, ओके, एक्टिविटीज आप स्टडी कीजिएगा, स्टडी करने के बाद जो चीज़ें समझ में आ जाती है ठीक है, नहीं समझ में आती है तो आप पूछ सकते हैं। अभी आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ कुछ टर्म्स दिए हुए हैं जिसको आपको स्टडी करना है, ओके। हियर डिफिनीशन टर्म्स हैं कि आप कॉपी में अपने राइट करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। ये टॉपिक्स जो हैं, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट, सैप्रोफाइट और सिम्बियोसिस, ये टॉपिक आप अपने कॉपी में नोट करेंगे, ओके।